नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेन मौर्य आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक नए टॉपिक संख्याओं के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। संख्याओं को कितने भागों में विभाजित किया गया है और कितनी प्रकार से संख्याएं होती हैं, सभी का वर्गीकरण आज हम लोग एक ही वीडियो लेक्चर में देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं नंबर्स को किस रूप में डिवाइड किया गया है। मैंने आपको बताया था अंक जो होते हैं, देखिए दो संख्या प्रणालियां दो चलती हैं, एक नंबर सिस्टम है, एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, डेसिमल नंबर सिस्टम है और दूसरा है आपका बाइनरी नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम मैंने बताया था कि जो अपने मैं गणितीय भाषा में हम लोग यूज कर रहे हैं, सारे हमारे डेसिमल नंबर सिस्टम हो गए। और दूसरा मैंने बताया था कंप्यूटरी लैंग्वेज जो कि बाइनरी नंबर सिस्टम है। उसी के क्रम में हम लोग नंबर्स के बारे में बात किए थे। नंबर्स के बारे में हम आपको नंबर्स का क्लासिफिकेशन बताएंगे, किस प्रकार से संख्याओं का वर्गीकरण किया गया, कितने रूप। वास्तव अगर हम देखें तो संख्याओं को हमने अपनी सुविधा के अनुसार दो भागों में बांटा। एक को मैंने बोला रियल नंबर और दूसरे को बोला इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर को हम बोलते हैं वास्तविक संख्याएं है। इसको बोलेंगे काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। अब देखिए ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है। वास्तविक संख्याओं को जानने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं कि नंबर लाइन, इसको बोलते हैं हम नंबर लाइन यानी कि संख्या रेखा। इसको क्या बोलते हैं, नंबर लाइन या संख्या रेखा। ये हमारी है एक संख्या रेखा, ठीक है। संख्या रेखा पर जितने भी अंक होते हैं सभी को हम इस लाइन पर इंडिकेट कर सकते हैं, इस लाइन पर हम प्रदर्शित करते सकते हैं जितनी भी हमारी संख्याएं हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य हुआ माइनस इनफाइनाइट से और इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट के तक के सभी अंकों को हम यहां पर प्रदर्शित कर सकते हैं इस लाइन पे। इसका जो मध्य भाग होता है यहां पर एक शून्य स्थित होता है। यहां पर क्या होगा, इसके मध्य भाग में क्या होगा, शून्य स्थित होगा। यानी कि इसके हम अगर शून्य के अगर हम राइट साइड चलेंगे तो यहां पर धनात्मक होंगे, प्लस वन होगा, यहां पर प्लस टू होगा, यहां पर प्लस थ्री होगा, ऐसे बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, जहां तक अंक आपको लिखना हो, इसका कोई अंत नहीं होगा। और जो शून्य है, शून्य के जैसे हम बाएं चलेंगे यहां पर होगा माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। यानी कि शून्य के बाएं चलने पर ऋणात्मक मान प्राप्त होगा, शून्य के दाहिने चलने की तरफ हमें क्या प्राप्त होगा, धनात्मक मान प्राप्त होगा, यहां पर ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब जैसे ही हम शून्य के दाहिनी तरफ चल रहे हैं तो हमको क्या मिला है, धनात्मक मान। और यही जो है ना वास्तविक संख्याएं क्या हुई, जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सके वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी, वास्तविक संख्याएं होंगी। इनकी संख्या जो होती है वह माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में होती है। यानी कि इन्फिनिटी मतलब अनंत, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में हमारी संख्याएं क्या होंगी, सारी वास्तविक संख्याएं होंगी। और काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी, काल्पनिक संख्याएं शब्द से ही पता चल रहा है वे संख्याएं जिनकी हमने कल्पना की हो या फिर जिनका हमें मान ना ज्ञात किया जा सके। यानी कि जैसे जिन संख्याओं को हम कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर में उसका मान निकालने का प्रयास करें या फिर इरर बता दे या फिर बता दे कैन नॉट बी फाइंड। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर अगर मोबाइल आप चला रहे हो तो आप करड़ी में माइनस वन की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकलेगा, करड़ी में माइनस टू की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकलेगा, करड़ी में माइनस थ्री की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे तो नहीं निकलेगा, कैन नॉट फाइंड या इरर बताएगा। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ अगर करड़ी में कोई निगेटिव संख्या है, कोई ऋणात्मक संख्या है, अगर करड़ी में कोई ऋणात्मक संख्या या निगेटिव वैल्यू है तो उसका मान क्या होगा, सदैव काल्पनिक होगा, उसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने लिखा माइनस करड़ी में सात, यानी कि इसका मान निकाल पाना संभव नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोल देंगे, काल्पनिक संख्या। ये क्या हो जाएगी, हमारी काल्पनिक संख्या हो जाएगी।
क्या हो जाएगी दोस्तों, यह हमारी हो जाएगी काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अगर इसका मान निकाल सकते तो हम कहते ये संख्या जो होगी हमारी क्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। यानी कि मैंने कहा कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कोई भी संख्या हो सकती है, वो सभी हमारी किसमें आ जाएंगी, वास्तविक संख्या में। अब काल्पनिक संख्या की बात कर रहे हैं, करड़ी में माइनस सात आ रहा है तो हमारी क्या हो गई, काल्पनिक संख्या। अब इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में सात गुणे करड़ी में माइनस एक, करड़ी में सात गुणे करड़ी में माइनस एक। यानी ये कहने का तात्पर्य ये हुआ, जो ये करड़ी में माइनस वन साइन आ रहा है यह सभी में आएगा। जैसे करड़ी माइनस थ्री है, इसको लिख सकते थे आप करड़ी थ्री इंटू करड़ी में माइनस एक। अब क्या होगा, इसको इंडिकेट करने के लिए एक हमारे मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था आयोटा, ने ये बताया, इसको हमने एक नाम दिया, वो क्या दिया उन्होंने नाम दिया, इसका नाम दिया आयोटा, जिसको हम आई से इंडिकेट करते हैं, किससे, आई से। यानी कि आई का मतलब यह हुआ कि करड़ी में माइनस वन का मान क्या होगा, आई के बराबर होगा। अगर इसको अब हमें लिखना है, अब हम इसको लिख सकते हैं करड़ी में थ्री आई, क्या लिख सकते हैं हमें, करड़ी में थ्री आई, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये आयोटा है और ये इमेजिनरी नंबर। आप ऐसे देख सकते हैं, अगर आई दिखा रहा है इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा इमेजिनरी नंबर यानी कि काल्पनिक संख्याएं हैं। ठीक है, ये हो गई इमेजिनरी नंबर की बात। अब ध्यान दीजिएगा, इसी इमेजिनरी नंबर से और रियल नंबर से मिल करके एक और संख्याओं का भाग बना है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या बोलते हैं दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं, सम्मिश्र संख्याएं, जिसको सम्मिश्र संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि सम्मिश्र संख्या। इसमें क्या होगा, यह वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्र रूप होता है। जैसे a प्लस आई बी, ए प्लस आई बी, जहां पर a एंड b जो है वो हमारा क्या होगा, रियल नंबर या फिर आप कह सकते हो वास्तविक संख्याएं होंगी। क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। और जो आई होगा यह बताएगा आपको, यह बताएगा आपको काल्पनिक संख्या के बारे में। अब यहां पे जो है यह रियल नंबर के पार्ट को बताएगा, यह किसको बताएगा, इमेजिनरी नंबर के पार्ट को। यह वास्तविक पार्ट होगा, यह काल्पनिक पार्ट होगा, क्योंकि आई है, इसका मतलब कि इसने करड़ी माइनस वन की किसी भी वास्तविक संख्या में करड़ी में माइनस वन का मल्टीप्लाई हुआ हो, अगर हुआ है तो यह इमेजिनरी पार्ट होगा, यह रियल पार्ट होगा, इसको हम बोलते हैं काल्पनिक पार्ट। क्या बोलेंगे इसको, काल्पनिक पार्ट या इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट। और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट। ठीक है, क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। यानी कि सम्मिश्र क्या है, और रियल और इमेजिनरी के मिक्स कंबाइंड रूप से बनती है। ठीक है, यह हुआ हमारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलिए, अगर ये इतनी बातें समझ में आ रही हैं, तो अब हमारी मैक्सिमम संख्या तो रियल नंबर में आ रही है भाई, माइनस इनफिनिटी से लेकर के प्लस इनफिनिटी तक सभी संख्याएं किसमें आ रही है, हमारी वास्तविक संख्या में आ रही है। हम अब लोग वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण को पढ़ते हैं, किसको पढ़ते हैं, वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण को। हम लोग वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण करेंगे, वास्तविक संख्याएं कितने रूप में डिवाइड की गई हैं और कौन कौन सी वास्तविक संख्याएं, सभी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, रियल नंबर्स को। अगला हम देखते हैं
रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का वर्गीकरण है। यानी कि वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या को देखा गया है दो प्रकारों में बांटा जाता है। जो कुछ किताब या कुछ राइटर्स फॉलो करते हैं वह कहते हैं इसे परिमेय और अपरिमेय संख्या के रूप में हम गाइड कर सकते हैं, लेकिन कुछ राइटर ऐसा भी कहते हैं इसको हम पूर्णांक संख्या इंटीजर नंबर एंड डेसिमल नंबर यानी कि दशमलव संख्या या फिर हम पूर्णांक संख्याओं में विभाजित कर सकते हैं। जैसे अगर हम वास्तविक संख्याओं को विभाजित करना चाहें तो दो भागों में विभाजित होगा, एक हमारा क्या होगा इंटीजर वैल्यू, क्या होगा इंटीजर वैल्यू, और दूसरा जो होगा हमारा वह होगा डेसिमल, डेसिमल यानी कि दशमलव में, दशमलव में यानी कि दशमलव संख्याएं होंगी एक और दूसरी क्या होगी पूर्णांक संख्या, क्या होगी पूर्णांक संख्या। अब जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं और पूर्णांक संख्या को हमने तीन भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक की सभी संख्याएं इसमें भी आती हैं, लेकिन दशमलव की संख्याओं को छोड़ करके। मैंने आपको बताया था वास्तविक संख्या क्या होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएंगी, लेकिन वो सभी संख्याएं क्या हो सभी की सभी पूर्णांक भी हो सकती है और दशमलव भी हो सकती है। कहने का एग्जाम्पल एक भी हो सकता है, सौ भी हो सकता है, एक दशमलव एक चार भी हो सकता है और एक सौ एक दशमलव तीन दो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं इसमें भी सभी नंबर आएंगे, लेकिन यहां पर जितनी भी संख्याएं होंगी नंबर रेखा पर वह सभी की सभी हमारी क्या होंगी पूर्ण संख्या होंगी, क्या होंगी पूर्ण संख्या होंगी, उनका फैक्टर यानी कि दशमलव में कोई भी उसका अंक नहीं होगा। ठीक है, पूर्णांक संख्याओं को हमने तीन भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। एक मैंने कहा कि ऋणात्मक पूर्णांक, क्या बोला ऋणात्मक यानी कि निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक पूर्णांक। और इसको बोलेंगे क्या, एक है आपका धनात्मक पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक। और जो धनात्मक पूर्णांक है इसके अलावा जो तीसरा हमने क्लासिफिकेशन किया वो जीरो को किया, क्या किया जीरो, यानी कि इसको बोलते हैं कुछ लोग शून्यांक को शून्य पूर्णांक बोलते हैं, कुछ लोग और बोलते हैं अलग अलग अपनी भाषा में सब लोग बताते हैं। इसका मान जो होता है वह होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर के माइनस वन के बीच। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर लेकिन एक कंडीशन है, ऑल आर दी होल नंबर पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, वह क्या होनी चाहिए हमारी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए। ठीक है, आधी होल पूर्णांक संख्याएं होनी चाहिए वह माइनस इन्फिनिटी से, यानी कि वहां पर माइनस एक हो सकता है, माइनस छह हो सकता है, माइनस पांच हो सकता है, माइनस चार हो सकता है, सभी संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन यह दशमलव में इसका फैक्टर नहीं होना चाहिए। और शून्य पूर्णांक एक ही होता है, वह होता है कितना जीरो। और धनात्मक पूर्णांक क्या होगा वह प्लस वन से लेकर के अब कहां का होगा प्लस इन्फिनिटी के बीच में, यहां भी वही कंडीशन है, यहां पर संख्याएं क्या होनी चाहिए पूर्ण होनी चाहिए। यानी कि कहने का मतलब यह हुआ कि निगेटिव सबसे ऋणात्मक सबसे छोटा पूर्णांक जो होगा वह होगा हमारा माइनस वन, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक क्या होगा माइनस वन, जबकि हम लोग सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और ऐसे धनात्मक पूर्णांक में जो सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक होगा वह होगा प्लस वन, जबकि सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। और जो तीसरी कैटेगरी है वह है शून्य, वह है शून्य इकलौता होता है, न इसमें कोई बड़ा न कोई छोटा, शून्य क्या होगा हमारा एक पूर्णांक होगा, शून्य क्या होगा हमारा एक पूर्णांक होगा। अभी शून्य के बारे में कुछ और अवधारणाएं हैं, जैसे यह सम संख्या है या विषम संख्या है, इसके बारे में मैंने आपको ऊपरी पहली क्लास में ही बताया था, जब मैंने आपको नंबर्स क्लास नंबर्स के बारे में स्टार्ट किया था तभी मैंने ऐसे बताया था शून्य क्या है। ठीक उसी के क्रम में हम लोग चल रहे हैं बात करने पूर्णांक संख्या। अब जो पूर्णांक संख्या है इसके तो क्लासिफिकेशन हम लोगों ने जान लिया, अब हम बात करेंगे जरा दशमलव के बारे में, थोड़ी देर बाद हम आएंगे, अब इंटीजर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहीं से मिलकर के हमारा क्या बनेगा
यहीं से हमारा बनेगा। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सभी संख्याएं अब यहीं से हमारी बनना चालू हो जाएंगी। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हो चाहे पूर्ण संख्या हो, क्या बन रही, कैसे बन रही, सभी के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है, चलिए। हाँ, पूर्णांक संख्या जैसे हमने वर्गीकरण किया, पूर्णांक संख्या मैंने आपको एक बताया, एक नेगेटिव होता है पार्ट, और आपको मैंने एक बताया एक पॉजिटिव पार्ट होता है, एक होता है शून्य पार्ट। ठीक है, तीन चीजें बताया आपको, आप ध्यान दीजिए। जो ये पॉजिटिव पार्ट है, यानी कि जो आपने प्लस वन से लेकर के इनफाइनाइट तक देखा, प्लस इनफाइनाइट तक, प्लस वन से लेकर के कहां तक देखा आपने, इनफाइनाइट तक देखा, यही हमारी संख्याएं क्या कहलाई, हमारी यही हमारी संख्याएं कहलाई क्या, प्राकृतिक संख्या। क्या कहलाई, प्राकृतिक संख्या, यानी कि प्राकृतिक संख्या का मतलब नेचुरल नंबर। क्या कहलाई, यह कहलाई हमारी नेचुरल नंबर। क्या कहलाई हमारी नेचुरल नंबर, क्या कहलाई नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या। जो इनका मान होता है वह होता है कहां से, वन टू थ्री फोर अप टू इनफाइनाइट। अच्छा, इनफाइनाइट हम क्यों कहते हैं, इनफाइनाइट कहने का तात्पर्य, देखो इनफाइनाइट तो अपरिभाषित समान ज्ञात नहीं किया जाता, लेकिन हम यहां पे इनफाइनाइट क्यों लिखते हैं, इसका मतलब ये हुआ किसी भी अंत तक, किसी भी छोर पर जब आप जाकर के खड़े हो गए, जैसे मान लीजिए आपने 9999 तक आप गए, लेकिन जैसे आप इसमें एक ऐड करते हो, एक और जोड़ते हो, अगली प्राकृतिक संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। यानी कि जैसे आप कहीं भी असंख्य तक पहुंच जाइए, असंख्य में अगला एक जोड़ देंगे आप, आपको एक अलग संख्या, प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी। यानी कहने का मतलब है प्राकृतिक संख्याओं का अंत क्या होगा, नहीं होगा। और दूसरी चीज यहां पर ऑब्जर्वेशन की बात है, इनके बीच का अंतर सदैव क्या होगा, एक होगा। ठीक है, एक से स्टार्ट होगी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी, जो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होगी वह क्या होगी, हमारी एक होगी। जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, ज्ञात नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, जबकि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, हम ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब हमारा किसका निर्माण हो गया, प्राकृतिक संख्याओं को आपने देखा, जो ये पूरा का पूरा पॉजिटिव भाग है, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हो गई। अब ध्यान दीजिए, आगे चलते हैं, अगर ये भाग हमारा प्राकृतिक संख्या हो गया, तो अब अगली जो संख्या के बारे में बात करेंगे वह हमारी होगी पूर्ण संख्या। क्या होंगे, पूर्ण संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संख्या के बारे में। क्या बात करेंगे, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याएं होती क्या है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग होल नंबर, होल नंबर। क्या बोलेंगे, होल नंबर, इसको बोलेंगे क्या, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्याओं का जो निर्माण हुआ है वह इन पॉजिटिव नंबर्स से हुआ ही है, ये पॉजिटिव नंबर्स तो है ही, साथ ही साथ हमारा ये क्या है, हमारा यह जीरो भी है। जीरो और ये पॉजिटिव नंबर मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं दोस्तों, एक पूर्ण संख्या का निर्माण कर रहे हैं। जीरो और पॉजिटिव नंबर मिलकर के किसका निर्माण करेंगे दोस्तों, एक पूर्ण संख्या का निर्माण करेंगे। यानी कि जो हमारा पूर्ण संख्या होगी उसकी स्टार्टिंग जो होगी वो कहां से होगी, जीरो से ही होगी, और कहां तक जाएगी, वन टू थ्री, यह जाएगी आपकी इनफाइनाइट तक। कहां तक, इनफाइनाइट तक। यानी कि हम यहां से यह कह सकते हैं सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या दोस्तों, यहां से आपको एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है
वह है हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या, क्या है? जीरो है। और इनको बीच का अंतर कितना दोस्तों? एक। क्या है? एक। ठीक है, बीच का अंतर कितना होगा? एक है। जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी दोस्तों? जबकि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या हम ज्ञात नहीं कर सकते, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगा? ज्ञात नहीं कर सकते, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको हम बता नहीं सकते सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जिस आप डेस्टिनेशन पर, जिस अंत बिंदु पर पहुंचेंगे, वहां अगर एक अंक जोड़ दे रहे हैं तो आपकी अगली क्या हो रही है? पूर्ण संख्या प्राप्त हो जा रही है। इसलिए हम कहते हैं कि हम सबसे बड़ी पूर्ण संख्या ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। पूर्ण संख्याओं का निर्माण कहां से हो रहा? जीरो और धनात्मक पूर्णांकों को लेकर के, पूर्णांकों को लेकर के हम इसका निर्माण कर रहे हैं, एक पूर्ण संख्या का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब जो संख्याएं हमारी बनेंगी, अब हमारी बनेंगी सम और विषम संख्याएं। क्या बनेंगी? सम और विषम संख्याएं। ठीक है, चलिए अब आगे वर्गीकरण पढ़ते हैं। ये पूर्णांक संख्याओं से ही सभी का निर्माण हो रहा है। अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में विभाजित किए होते तो उस आधार पर भी इसका वर्गीकरण हम लोग करते थे, लेकिन हम लोगों ने इसको नॉर्मली ऐसे पूर्णांक संख्याओं और दशमलव संख्याओं के रूप में इसको चेंज कर दिया था, हम उसके आधार पर इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। अब हम बात करेंगे सम संख्याओं के बारे में और विषम संख्याओं के बारे में। सम संख्या, इसको हम बोलते हैं इवन नंबर, और दूसरी हमारी है वह क्या है? विषम संख्या, जिसको हम बोलते हैं क्या? ऑड नंबर। ऑड पुनः हम लोगों ने सम संख्याओं को दो भागों में विभाजित किया। क्या विभाजित किया? दो भागों। कैसे? देखिए, सम संख्याएं जो होती हैं वह धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। यानी कि हम लोगों ने सम संख्याओं को कहा दो भागों में, पॉजिटिव इवन नंबर या आप कहोगे धनात्मक सम संख्याएं, और दूसरा आप कहोगे दोस्तों ऋणात्मक यानी कि निगेटिव इवन नंबर। ठीक है, यानी कि ऋणात्मक सम संख्या। इसी तरीके से हमने विषम संख्याओं का वर्गीकरण किया और विषम संख्याओं को दो भागों में बांटा, एक निगेटिव और एक क्या किया? पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव ऑड और निगेटिव ऑड नंबर। ठीक, और निगेटिव ऑड नंबर जो है इसको हमने कहा ऋणात्मक, और इसको क्या कहा हमने? धनात्मक। क्या कहा हमने? धनात्मक पूर्णांक संख्या। धनात्मक क्या होंगे? विषम संख्या। अब ये होता क्या है? धनात्मक विषम संख्या, ऋणात्मक विषम संख्या, और धनात्मक सम संख्या और ऋणात्मक विषम संख्या। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें धनात्मक सम संख्याओं की, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि यह जो संख्या है वह प्लस दो से लेकर के कहां तक है? इनफाइनाइट। कहां तक है? इनफाइनाइट। प्लस दो से लेकर के कहां तक है? ये हमारा इनफाइनाइट तक, प्लस दो, प्लस चार, प्लस छ, प्लस आठ, ऐसे बढ़ता हुआ हमारा चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो ये धनात्मक सम संख्या है ये सबसे छोटा क्या होगा? प्लस में दो होगा। क्या होगा? प्लस में दो होगा। और सबसे बड़ा जो है इसको हम ज्ञात नहीं कर सकते। और सम संख्या और विषम संख्याओं के बीच में जो अंतर होता है वह क्या होता है? दो का होता है। कितने का होता है? दो का होता है। कितने का होता है? दो का होता है। ठीक है, सम और विषम संख्याओं के बीच का अंतर जो होता है वह कितना का होता है? दो का होता है।
आगे बात करेंगे हम ऋणात्मक की। ये जो संख्या स्टार्ट होंगी वह माइनस दो से स्टार्ट होंगी, माइनस इन्फिनिटी पर जाकर के खत्म हो जाएंगी। ठीक है, माइनस टू से स्टार्ट होंगी और माइनस इन्फिनिटी पर जाकर के खत्म हो जाएंगी। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको बताया कि जो संख्या रेखा है, जो संख्या रेखा है उस पर क्या होगा, जो सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या होगी वह प्लस वन होगी, और जो सबसे बड़ी यहां पर जो सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या होगी, यहां पर सबसे छोटी पूर्णांक संख्या प्लस वन, और जबकि सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कर सकते हैं, सबसे छोटी धनात्मक पूर्णांक संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां इसी संख्या रेखा पर ही हम दो दो के गैप पे अगर हम लेकर के चले जाएं तो हमें क्या होगा, सम संख्याएं मिल जाएंगी, और दो दो के गैप पर अगर हम एक एक से स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या होंगी, विषम संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऋणात्मक विषम संख्या क्या होगी, वह माइनस वन से स्टार्ट होगी, कहां तक जाएगी, माइनस इन्फिनिटी तक, और ये क्या होगा, प्लस वन से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, प्लस इन्फिनिटी तक, यानी कि यह होगा माइनस वन माइनस थ्री माइनस फाइव, इस तरीके से यह होगा प्लस वन प्लस थ्री प्लस फाइव, इस तरीके से हमारा आगे बढ़ेगा। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि शून्य क्या है, शून्य क्या है, शून्य जो है न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, क्या है, न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, यह दोनों के तरीके से यूज होता है, और यह जो है एक सम संख्या है, क्या है, यह एक सम संख्या, क्या है, सम संख्या है। और शून्य के बारे में एक और बात कही गई है, यह एक परिकल्पना है, क्या है, यह परिकल्पना है। आपको यहां से दो चीजें, यह न धनात्मक है न ऋणात्मक है, यह पता चला, शून्य क्या है, एक सम संख्या है, यह पता चला, और एक बात और यहां से पता चली कि शून्य जो हमारी यह एक परिकल्पना है, यह हमने मान ये बताया कि यह हमारी परिकल्पना है, इसीलिए इसको हम असार्थक अंक भी कहते हैं, तो मैंने आपको यह बताया था। चलिए, शून्य के बारे में हमारी अवधारणा क्लियर हुई। अब शून्य को हम किस तरीके से कह सकते हैं कि यह हमारा जो है सम संख्या है या फिर विषम संख्या है, चलिए उसको भी हम क्लियर कर लेते हैं। शून्य किस आधार पर कहा जा रहा है कि यह एक सम संख्या है, क्या करने वाले हैं, शून्य एक सम संख्या है सिद्ध करो, प्रश्न में बता रहा हूं आपको, शून्य एक सम संख्या है, सम संख्या कैसे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। आपको मैंने नंबर लाइन बताई, नंबर लाइन पे यह बताया, यह जीरो है, यह वन है, यह टू है, यह थ्री है, यह फोर है, ये क्या है माइनस वन है, ये क्या माइनस टू है, ये क्या माइनस थ्री है, क्या माइनस फोर है, इस तरीके से हमारा ये अंक बढ़ता हुआ चला जाएगा। अच्छा, एक बात ये बताओ, आप जैसे ही आप देख रहे हो कि यहां पर एक विषम संख्या और दूसरी विषम संख्या क्या है, थ्री, पहली विषम संख्या एक, दूसरी विषम संख्या तीन, दो विषम संख्याओं के बीच में क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है। अगर इसी तरीके से हम यहां पांच होता और यहां पर छह होता और यहां पर सात होता, आगे हम चेक कर ले रहे हैं, ये तीन क्या है आपकी विषम संख्या है और पांच क्या है आपका विषम संख्या है, दो विषम संख्याओं के बीच में क्या आ रहा है, एक सम संख्या आ रहा है। आगे देखें, पांच और सात के बीच ये विषम संख्या है दोनों, उसके बीच में क्या आ रहा है, एक हमारा सम संख्या आ रहा है। ऐसे हम ऋणात्मक विषम संख्याओं पर चलते हैं, माइनस और एक माइनस तीन के बीच में क्या आ रहा है, एक ऋणात्मक सम संख्या आ रही है। अगर माइनस तीन यहां माइनस पांच होता माइनस छह होता माइनस सात होता, अगर हम यहां पर अगर बात करते तो आपने देखा कि माइनस तीन और माइनस पांच एक ऋणात्मक विषम संख्या है, इसके बीच में क्या आ रहा है, एक ऋणात्मक सम संख्या आ रही है। पुनः फिर मैंने आगे चला, माइनस पांच और माइनस सात के बीच में ऋणात्मक विषम संख्या है, उसके बीच में एक सम संख्या आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी मैंने जीरो को छोड़ा था,
आपने देखा यह ऋणात्मक विषम संख्या है और यह धनात्मक विषम संख्या है, यानी कि दो विषम संख्याओं के बीच में हमारा क्या आना चाहिए, एक सम संख्या आना चाहिए। और यहां से भी हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि यह जो है शून्य जो है सदैव क्या होगी, सम संख्या होगी। सम संख्या के साथ साथ यह एक शून्य पूर्णांक है, ना यह धनात्मक होता है ना यह ऋणात्मक होता है, इसलिए हम लोग इसको न धनात्मक सम संख्या में रखते हैं और न ही हम लोग ऋणात्मक सम संख्या में रखते हैं। शून्य क्या है, यह हमारी एक सम संख्या है। चलिए अभी थोड़ी देर बाद हम एक तरीके से और प्रूव करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, सम संख्या धन सम संख्या सदैव क्या होगी, ये सम संख्या है। क्या आएगी, सम संख्या। सम संख्या को जब हम विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो सदैव क्या आएगा, हमारा एक विषम संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, विषम संख्या प्राप्त होगी। अगर हम विषम संख्या को विषम संख्या के साथ जोड़ेंगे तो हमारा क्या होगा, एक सम संख्या प्राप्त होगी, सम संख्या प्राप्त होगी। ठीक, अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग अगर पहले इसको चेक कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये सम संख्या कुछ भी हो, दो हो गई, अगली हम ले लेते हैं चार हो गई, जैसे ही जोड़ा तो हमारा क्या आ गया, छह आ गया। छह आ गया यानी कि यह दो से डिविजिबल है, सम संख्या की चेक करने का एक तरीका, और अगर आपका दो से डिविजिबल हो रहा है सारी संख्या हमारी क्या होंगी, सम संख्या होंगी। दो चार क्या आया हमारा, छह, यानी कि यह हमारी क्या है, दो से डिविजिबल है, यानी कि यह हमारी क्या होगी, सम संख्या होगी। अब यहां से हम लिखा, मान लीजिए मैंने दस लिया और मैंने ले लिया पंद्रह, दस और पंद्रह दो से डिविजिबल हो रही यानी कि यह सम संख्या हो, या दो से डिविजिबल नहीं हो रही यानी कि हमारी विषम संख्या हो। जैसे ही मैंने जोड़ा हमारा कितना आ गया, पच्चीस, पच्चीस क्या हो रही, दो से डिविजिबल यानी दो से विभाज्य नहीं हो रही है, इसलिए हमारी क्या हो गई, यह विषम संख्या हो गई। यानी कि हमारे यहां से यह कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर दो सम संख्याओं को जोड़ते हैं तो सम संख्या मिल रही है, एक सम संख्या और एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो विषम संख्या मिल रही है। फिर आगे हमने देखा अगर दो विषम संख्या 11 और 17 लिया, जैसे ही मैंने जोड़ा हमें क्या मिला, 11 17 28 मिला, एक सम संख्या, क्या मिली, एक सम संख्या मिली। अब अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, अगर सम संख्या बटे सम संख्या करेंगे तो क्या होगा, अगर सम संख्या बटे सम संख्या करेंगे तो क्या होगा, यह जरूरी नहीं है वह सम संख्या ही आए, वह सम संख्या ही आए, वह सम संख्या भी आ सकती है, वह विषम संख्या भी आ सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये क्या आ सकता है, सम भी आ सकता है या विषम भी आ सकता है, सम या विषम आ सकता है, सम या क्या होगा, विषम आ जाएगा। ठीक है, अगर हम सम संख्या गुणे सम संख्या करेंगे सदैव क्या आएगा, सम आएगा। अगर हम सम संख्या गुणे विषम संख्या करेंगे तो क्या होगा, विषम आएगा, क्या होगा, विषम आएगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन है यहां पर, अगर शून्य को सम संख्या ले रहे हो तो विषम संख्या के मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, हमारा विषम संख्या नहीं सम संख्या ही आएगी। ठीक है, और अगर हम देख लेते हैं, जैसे मैंने सम संख्या ले लिया चार और पांच, यहां से क्या आया, एक संख्या हमारी क्या आ रही है, सम आ रही है, यानी कि विषम आएगा और क्या आ जाएगा, हमारा सम दोनों आ जाएगा। जैसे चार सम लिया पांच विषम लिया और मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, बीस, और बीस दो से डिविजिबल है यानी कि सम भी हो सकता है और विषम भी हो सकता है। ठीक है, और दो विषम संख्याओं को जैसे ही मल्टीप्लाई कर रहे हो वो हमारी क्या आ जाएगी, हमारी विषम। विषम गुणे क्या आएगा, विषम, क्या आएगा, विषम संख्या आएगी। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी कभी आपसे चार ऑप्शन दे करके पूछ लेता है कौन सा करेक्ट होगा, इसी तरीके से हुआ कई ऑप्शन इसी कॉन्सेप्ट पर बना करके दे देता है। ठीक, चलिए अब बात करते हैं भाज्य संख्याएं और
अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, भाज्य संख्या के बारे में। इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे संख्याएं जिनके तीन या तीन से अधिक गुणनखंड हो, जिनके तीन या तीन से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। अब गुणनखंड से तात्पर्य क्या हो, जैसे मान लीजिए आपने चार लिया। अब देखिए यह किससे किससे कट सकता है, एक से कट सकता है, दो से कट सकता है, और किससे कट सकता है, स्वयं चार ने आप से कट सकता है, यानी इसके गुणनखंड कितने हो गए, तीन। अगर हम ऐसे छह ले लें, यह किससे कट सकता है, एक से कट सकता है, दो से कट सकता है, तीन से कट सकता है, और छह स्वयं से कट सकता है, यानी इसके गुणनखंड कितने हो गए, चार हो गए। यानी कहने का तात्पर्य यह हुआ भाज्य संख्या वह होगी जिनके तीन या तीन से अधिक क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। और सबसे छोटी जो, यानी कि अगर हम 0, 2, 4, 6, 8 ऐसे लिखते हुए चले, अगर हमने देखा 0 के जो गुणनखंड होंगे क्या होगा, वह 0 होगा और क्या होगा, 1 होगा और कुछ, यानी कि ये तो किसी से भी कट सकता है। 0 तो हम 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कट सकता है, 5 से कट सकता है, सभी से कट जाएगा, लेकिन यह एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, यह हमारी जो है भाज्य संख्या में नहीं लिया जाता है। ठीक है, अब बात करें 2 की। 2 के जो गुण फैक्टर होंगे वह 1 से कट सकता है और किससे कट सकता है, स्वयं यानी कि 2 अपने आप से कट सकता है। अगर हम यहीं पे 3 की बात करते हैं, 3 भी क्या होता है, वह एक स्वयं से कट रहा है और किससे कट रहा है, 3 से कट रहा है। 3 के भी कितने गुणनखंड हो रहे हैं, 2 गुणनखंड हो रहे हैं। अब 4 के गुणनखंड की बात करें, इसके गुणनखंड होंगे 1, 2 और क्या होगा, 4। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा, यानी कि जो हमारा सबसे छोटी भाग संख्या होगी वह क्या होगी, 4 होगी। दूसरी क्या होगी, 6 होगी। तीसरी क्या होगी, 8 होगी। चौथी क्या होगी, 9 होगी। और पांचवी क्या होगी, 10 होगी। 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ही हमारी क्या होंगी, सारी की सारी हमारी भाज्य संख्याएं निकल जाएंगी। ठीक है, भाज्य संख्या हमारी क्या होंगी, निकल जाएंगी। जैसे ही आप इसके आगे 4 के आगे बढ़ोगे तो देखोगे, अगर जो संख्या 4 के आगे 2 से कट रही है, इसका मतलब वो हुआ सभी के सभी हमारी क्या होंगी, भाज्य संख्याएं। ठीक है, यानी कि यहां से कॉन्सेप्ट निकला, सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी वह दोस्तों क्या होगी, जो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो क्या होगी, वह प्लस में 4 होगी। और सबसे छोटी भाज्य, सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी भाज्य संख्या जो होगी दोस्तों वह होगी क्या होगी, वह होगी प्लस में इनफाइनाइट। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम ऋणात्मक में बात करें, ऋणात्मक में बात करने की बात नहीं होगी यहां पे, सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटी और सबसे बड़ी भाज्य संख्या जब पूछता है तो माइनस और प्लस 4 लिखेगा, क्योंकि धनात्मक, अगर ऋणात्मक की बात करेगा तो आप ऋणात्मक में अलग से बताएंगे। सबसे बड़ी भाज्य संख्या ऋणात्मक में माइनस कितनी होगी, माइनस में 4। ठीक, तो वहां की बात नहीं है, सबसे छोटी भाज्य संख्या धनात्मक की सदैव पूछता है, प्लस 4 होगी। सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी, प्लस में इनफाइनाइट होगी। ठीक है, अब बात करेंगे हम अभाज्य संख्याओं के बारे में। किसके बारे में, अभाज्य संख्याओं के बारे में। अब जो बात होने वाली हमारी अभाज्य संख्याओं के बारे में बात,
हम लोग बात करेंगे अब अभाज्य संख्याओं के बारे में। जिसको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके केवल ओनली क्या हो, टू फैक्टर क्या हो, केवल दो गुणनखंड हो, जिसके केवल दो गुणनखंड हो। और दो गुणनखंड में क्या होगा, एक होगा एक क्या होगा वन, और दूसरा जो होगा वह स्वयं क्या होगी, वह स्वयं संख्या होगी, स्वयं क्या होगी, हमारी संख्या होगी। अगर यानी कि यहां निकालने का मतलब यह हुआ कि केवल दो गुणनखंड होंगे, एक वह स्वयं संख्या होगी और एक क्या होगा, दूसरा गुणनखंड होगा, वो क्या होगा, एक होगा। जैसे दो से अधिक गुणनखंड होने लगता है वो हमारी क्या हो जाती है, भाज्य संख्याएं हो जाती है, अभाज्य नहीं रह जाती। यानी कि ये जो होगा वह होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, इस तरीके से हमारी संख्या क्या होंगी, इनफाइनाइट तक चली जाएगी। कहां तक चली जाएंगी, इनफाइनाइट तक। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे दो, अगर दो को हम देखें, दो इकलौती एक ऐसी संख्या मिल रही है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए इसको हमने नाम दे दिया सम अभाज्य संख्या। क्या दिया हमने, संख्या, इसका नाम दे दिया सम अभाज्य संख्या। दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए हमने इसका नाम क्या दिया, सम अभाज्य संख्या। और बाकी जितनी संख्याएं हैं सभी के सभी क्या है, हमारी विषम है और क्या है, हमारी अभाज्य। बाकी जितनी है सभी सभी हमारी विषम है और विषम अभाज्य संख्या है, वो सब कहलाती है। दो एक ऐसा ही एग्जाम्पल है जो सम भी है और अभाज्य भी है। यह प्रश्न बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। जब से छोटी अभाज्य संख्या क्या है, क्या है? ध्यान दीजिएगा, जो सबसे यह भाज्य संख्या है इसको हम लोग कभी कभी रूढ़ संख्या के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, रूढ़ संख्या के नाम से। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या है वह क्या है दोस्तों, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या है वह क्या है, दो है। वह क्या है, दो है। एक प्रश्न और बनेगा, सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी, जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वो क्या होगी, जो सबसे छोटी सम संख्या होगी वह क्या होगी, सम अभाज्य संख्या। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या होगी, सम अभाज्य संख्या जो होगी वह क्या होगी, एकलौती सम अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। या फिर सब पूछता सबसे छोटी रूढ़ संख्या क्या है, दो। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, दो। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या क्या है, वह है दो। चलिए अब आगे अभाज्य संख्याओं को किस प्रकार से विभाजित किया, मैंने दो भागों में विभाजित किया। वैसे तो तीन भाग होते हैं, एक अपेक्षित अभाज्य, सह अभाज्य और जुड़वा अभाज्य, लेकिन आप दो जानिए बस बहुत है, ठीक है। एक सह अभाज्य संख्या होती है, जिसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होगा, इसको बोलेंगे सह। वे संख्याएं जिनका HCF क्या हो, HCF यानी कि महत्तम समापवर्त क्या हो, मासा जो हो कितना हो, एक हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने 3 और 5 लिया
और क्या हुआ, इसका मासा कितना हो रहा दोस्तों, एक हो रहा है। इसके बीच में उभयनिष्ठ क्या निकल रहा है, उभयनिष्ठ कौन सी संख्या निकल रही है, कॉमन संख्या निकल रही है हमारी, एक निकल रही है। यानी कि यह क्या होगा हमारी, यह जो होगा हमारा अभाज्य संख्या सहभाज्य संख्या होगा। जैसे मैंने ले लिया आपको 13 और 17, 13 और 17 लिया, यहां से हमको क्या मिला, इन दोनों में कोई ऐसी संख्या नहीं है, कोई ऐसा कॉमन नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों को विभाजित करे, यानी कि जो उभयनिष्ठ कॉमन इसके बीच में है वह क्या है दोस्तों, एक है। अगर एक है इसका मतलब इसका HCF क्या हुआ दोस्तों, एक हुआ। इसका HCF क्या हुआ, इसका भी HCF एक हुआ और इसका भी HCF क्या हुआ दोस्तों, एक हुआ। यानी कि 13 और 17, 3 और 5 और ये सब हमारी क्या हो रही है, यह सभी हमारी अभाज्य संख्याएं भी हैं और इनका HCF क्या हो रहा है सदैव, एक हो रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सहभाज्य संख्याएं हो गई। यानी कि इसका एग्जाम्पल जो हुआ वह क्या हुआ, 3, 5, 11, 17 और क्या होगा हमारा 2 और 7, कुछ भी। ठीक है, सभी का क्या होगा, कॉमन उभयनिष्ठ एक आ रहा है, यानी कि यह CF भी कितना आएगा इसका, एक आएगा। एक होता है जुड़वा अभाज्य, क्या होता दोस्तों, जुड़वा अभाज्य। अब जुड़वा अभाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनका HCF जो है कितना हो, 1 हो, HCF 1 हो। यह तो अभाज्य संख्या यानी सहभाज्य संख्या के कॉन्सेप्ट में तो था, लेकिन उसके साथ में इसने ये कहा वे संख्याएं जिनका HCF हुआ हो और गैपिंग जो हो, यानी जो उनके बीच में अंतर हो वह कितने का होना चाहिए, गैपिंग सदैव और सदैव कितने का हो दोस्तों, 2 की गैपिंग। ठीक है, क्या हो, 2 की गैपिंग हो, वह क्या हो जाएंगे हमारी सभी की सभी अभाज्य संख्या जुड़वा अभाज्य। जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13। ठीक है, 11 और 13 ये सभी संख्या हमारी क्या है, यह सभी हमारी जुड़वा अभाज्य संख्या है, जोड़े में है, 3, 5 गैपिंग 2, 5, 7 गैपिंग 2, 11, 13 गैपिंग 2। ये सभी की सभी हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, ये सभी संख्या हमारी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, आगे चलते हैं। एक संख्या और है, वह है, वह संख्या है आपकी परिपूर्ण संख्या। क्या होगी हमारी परिपूर्ण संख्या, इसको बोलते हैं हम परफेक्ट नंबर। कभी कभी इसको संपूर्ण संख्या के नाम से भी दे देता है, कहीं कुछ ऐसे ही वो वर्ड लिख देता है, लेकिन इंग्लिश के वर्ड के ऊपर आप प्रिफर करेंगे तो परफेक्ट नंबर लिखा हुआ मिलेगा आपको। जो परफेक्ट नंबर होता है वह सिर्फ और सिर्फ 2 है, और वो उसकी परिभाषा क्या, परफेक्ट नंबर की ऐसी संख्या जिनका गुणन खंडों का योग उस संख्या का 2 गुना हो। जैसे आप ले लिए एग्जांपल 6 का गुणन खंड क्या क्या होंगे, 6 के जो होंगे 1, 2, 3 और क्या होगा 6 होगा। 1 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 6 से भी कट रहा है। जैसे ही हमने सभी को ऐड किया गुणन खंडों के अंकों का योग क्या होना चाहिए, संख्या का 2 गुना होना चाहिए। 3, 2, 5, 6 और 6 कितना आ गया हमारा 12, कितना आ गया 12। यानी कि इस संख्या का क्या हो रहा है, यह डबल हो रहा है। और मैंने आपको डिफिनेशन भी यही बताई, उस परिपूर्ण संख्या एक परफेक्ट नंबर वह होगा जो उस संख्या के गुणन खंड के अंकों का योग उस संख्या का क्या हो, 2 गुने के बराबर हो, हमारी क्या हो जाएगी परिपूर्ण संख्या। एक और परिपूर्ण संख्या होती है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 ही परिपूर्ण संख्या मिली है और कोई परिपूर्ण संख्या नहीं है, 6 और 28। ठीक है, अब इन दो, यही दोनों ऐसी संख्याएं हैं जो आपसे पूछेगा परिपूर्ण संख्या। एग्जाम्पल में देगा निम्न में से परिपूर्ण संख्या क्या है, ए लिखा हुआ है 6, बी लिखा हुआ 17, सी लिखा हुआ है 18 और डी लिखा हुआ है 2। अब बताओ,
आप अगर नहीं पता होगा आप सबसे छोटी या मार दोगे या फिर सबसे बड़ी संख्या मार दोगे, अगर आपको पता है तो आप क्या मारोगे, परिपूर्ण संख्या हमारी क्या होगी, वह 6 हो जाएगी। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या होगी, सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या, जो सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या होगी वह होगी 6, और सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या क्या होगी, वह हो जाएगी आपकी 28। सबसे छोटी परिपूर्ण संख्या क्या होगी, 6, सबसे बड़ी परिपूर्ण संख्या कितने जाएगी हमारी, 28। अब एक संख्या, दो संख्याएं और बची हुई है, इसके बाद हम लोगों ने संख्याओं के सभी वर्गीकरण को पढ़ लिया है, समझ लीजिएगा। अब क्या बचा हुआ है हमारी, रामानुजन संख्या, यह क्या होता है, 1729 होता है, 1729 होता है, ठीक है, और यह जो होता है यह 10 के क्यूब और 9 के क्यूब का योग होता है, क्या होता है, 10 के क्यूब और 9 के क्यूब का योग होता है, ठीक है, और क्या होता है, यह 12 के क्यूब, क्या होता है, 12 के क्यूब और 1 के क्यूब का क्या होगा हमारा, ये योग होगा, ठीक है, यह क्या होगा, 12 के क्यूब और 1 के क्यूब का क्या होगा हमारा, योग होगा, ध्यान दीजिएगा, 12 का क्यूब क्या होगा, 12 का क्यूब होगा और 1 के क्यूब का योग होगा, और 12 का जो क्यूब होता है उसका मान होता है 1728, और ये क्या होता है, 1 होता है, और कितना आ गया, 1729, और 10 का क्यूब क्या होता है, 1 के आगे 000, और इसका मान कितना होता है, 729, कितना आ गया, 1729। रामानुजन संख्या यह एक लौती संख्या है जिन जो दो संख्याओं के घनों के योग के बराबर है, और सभी की सभी संख्या किसी एक घन संख्या एक एक किनी दो अलग अलग, यानी कि यहां देखिए दो अलग अलग घन संख्याओं का है, और कोई और अगर ऐसी संख्या है तो वह एक का घन और एक का दूसरे और एक संख्या का घन का योग ही होगी, इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसके दो संख्याओं का अलग अलग घन घनों के योग के बराबर मान आया हो, ठीक है, इसलिए हमने ये इसके ऊपर एक कहानी भी है, अभी आप जब छोटे स्तर की 6th की बुक में किसी क्लास में है या 7th में आई थिंक, वहां पर रामानुजन के ऊपर एक कहानी भी है इस पर, वो आप जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, रामानुजन संख्या हो गया, और एक संख्या और है क्रम गुणित संख्या, क्या है, क्रम गुणित संख्या, क्रम गुणित संख्या, अब ध्यान दीजिएगा क्रम गुणित संख्या क्या होगा, क्रम गुणित संख्या जो है वह जैसे फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, यह क्रम गुणित चिन्ह कहलाएगा, और इसके अंदर लिखी हुई संख्या हमारी क्या कहलाएंगी, क्रम गुणित संख्या, कभी कभी यह ऐसे लिखा हुआ भी मिलता है 2, 3 फैक्टोरियल, इस तरीके से लिया हुआ मिलता है, इसका जो मान होता है, फैक्टोरियल 1 लिखा हुआ है आपका, इसका मतलब हुआ 1, और फैक्टोरियल 2 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 1 into 2, अब फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, 1 into 2 into 3, 1 into 2 into 3, यहां से ये तात्पर्य निकल के आया, जो संख्या होगी उस इंड तक आपको 1 से स्टार्ट करके मल्टीप्लाई करते हुए, जैसे फैक्टोरियल 12 लिखा हुआ है इसका मतलब हुआ 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8 × 9 × 10 × 11 × कहां तक आपको स्टॉप करना है, 12 तक, 12 तक आप जाकर के क्या होगे, स्टॉप होगे, तो यहां हमको संख्या को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब इसके बाद जो हमारी संख्याएं बची हुई है उन संख्याओं को हम लोग अगली कक्षाएं में पढ़ेंगे, यानी कि अभी हम लोगों ने ये वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण को पढ़ लिया, किसको पढ़ लिया, वास्तविक संख्याओं के वर्गीकरण को पढ़ लिया, अब जो अगली क्लास होगी वह होगी हमारी दशमलव संख्या है, ठीक है, हमने वास्तविक संख्याओं में एक पूर्णांक संख्या थी, एक थी दशमलव संख्या है, वास्तविक संख्याओं में पूर्णांक संख्याओं को आपने पढ़ लिया है, अब जो अगला पढ़ोगे आप वह पढ़ोगे क्या, पूर्णांक संख्या आपने पढ़ लिया, ये तो ठीक है, अब आप आगे जो पढ़ोगे वह पढ़ोगे आप दशमलव संख्या, क्या पढ़ोगे आप, दशमलव संख्या को,
अगला जो कॉन्सेप्ट होगा हम लोग दशमलव संख्या को लेकर के आएंगे, यहीं पर बात करेंगे परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या और इसी के नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग टर्म में इसको डिवाइड करेंगे और यहीं पर सब आगे बातें होंगी। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।